अगर आपको शोल्डर जॉइंट में दर्द हो रहा है या फिर शोल्डर जॉइंट में क्लिकिंग साउंड आते हैं, यानी कि आप जैसे हाथ की मूवमेंट करते हो, हाथ को ऐसे ऊपर उठाते हो, इनको घुमाते हो, इनके बाद शोल्डर जॉइंट में कट कट की आवाज़ आपको सुनाई देती है, या फिर आपको फ्रोजन शोल्डर की असर है, और यह सभी तकलीफ़ों का इलाज घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से कैसे करना है वह सीखना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो यह वीडियो में आपको मैं फिजियोथेरापी की ऐसी आसान एक्सरसाइज सिखाने वालों के जिनको अगर आप नियमित करते हो तो शोल्डर के संबंधी जो यह सभी तकलीफें आपको हो रही है इसमें आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। तो यहाँ पर यह सभी एक्सरसाइज काफ़ी आसान है, इनको आप घर पर ही बिना किसी टूल्स का इस्तेमाल किए ही कोई भी जगह पर किसी भी वक्त कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारा शोल्डर पेन और फ्रोजन शोल्डर या फिर शोल्डर में क्लिकिंग साउंड आने का सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारा जो शोल्डर जॉइंट होता है इनका अलाइनमेंट बिगड़ जाना। तो यहाँ पर हमारा जो शोल्डर जॉइंट है वह बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है, यानी कि यहाँ पर बॉल होता है और यह बॉल हमारा जो सॉकेट होता है इनके अंदर इस तरीके से घूमता है। तो यहाँ पर अगर यह जो बॉल है वह सॉकेट में थोड़ा सा आगे आ जाता है फिर इनका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। फिर क्या होता है, जैसे आप शोल्डर की मूवमेंट करते हो तो जो बॉल है वह यहाँ पर ऑब्स्ट्रक होता है, इनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक होती है। फिर यहाँ पर जो मसल्स होते हैं वह दबना शुरू हो जाता है, इनको शोल्डर इम्पीजमेंट बोला जाता है। फिर यहाँ पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है, सूजन आता है, दर्द होता है, फिर आपकी जो मूवमेंट होती है वह कम होना शुरू हो जाती है, फिर आपको फ्रोजन शोल्डर की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यह अलाइनमेंट को सही करने के लिए जो हमारे शोल्डर ब्लेड के मसल्स होते हैं इनको स्ट्रॉन्ग करना है। यहाँ पर इस तरीके से शोल्डर ब्लेड होती है, दोनों साइड पर एक एक शोल्डर ब्लेड होती है, तो इनको कंट्रोल करने वाले जो मसल्स होते हैं इनको हमें एक्टिवेट करना है, तो अपने आप यह जो बॉल है इनका अलाइनमेंट सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यह शोल्डर जॉइंट का अलाइनमेंट सही करने के लिए और जो शोल्डर ब्लेड को कंट्रोल करने वाले मसल्स है इनको एक्टिवेट करने के लिए काफ़ी आसान एक्सरसाइज सिखाने वाले। तो यह सभी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको दो रूल्स को खास ध्यान में रखना है। रूल नंबर वन, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो उस वक्त आपका जो शोल्डर है वह ऐसे लिफ्ट नहीं होना चाहिए, यह बात आपको खास ध्यान में रखनी है। इनके लिए आप यह एक्सरसाइज को मिरर के सामने बैठ के भी कर सकते हो ताकि आपको पता चले कि आपका शोल्डर लिफ्ट तो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। रूल नंबर टू, जब भी एक्सरसाइज करते हो उस वक्त आपका जो स्पाइन है खास करके लंबर स्पाइन वह पीछे की साइड पर ऐसे बैंड नहीं होना चाहिए। इनके लिए आपको क्या करना है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले टमी को ऐसे टक करना है, इनको खींच लेना है ताकि हमारा जो स्पाइन है वह न्यूट्रल हो जाए, इनके बाद फिर आपको एक्सरसाइज करनी है। तो यह दो रूल्स को खास ध्यान में रखना है, रूल नंबर वन शोल्डर लिफ्ट नहीं होना चाहिए, रूल नंबर टू आपका जो बैक है वह पीछे की साइड पर झुकना नहीं चाहिए। तो ये दो रूल्स को ध्यान में रख के आपको सभी एक्सरसाइज करनी है। तो ये सभी एक्सरसाइज को डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पर यह एक्सरसाइज करने के लिए आपको स्टूल के ऊपर इस तरीके से बैठ जाना है, दोनों फुट को जमीन पर टिका देना है, स्पाइन को इस तरीके से सीधा रखना है। इनके बाद पहली एक्सरसाइज करने के लिए दोनों हाथ को ऐसे बाजू पर रखना है, इनके बाद पहले टमी को टक करना है, इनके बाद फिर दोनों शोल्डर को ऐसे पीछे की साइड पर रिट्रैक्ट करना है, उनको खींचना है, यहाँ पर दोनों हाथ आपके बाजू पर ही रहने चाहिए, शोल्डर लिफ्ट नहीं होने चाहिए। जो हमारे दो रूल्स हैं उनको खास फॉलो करना है, 10 काउंट होल्ड फिर छोड़ देना है, शोल्डर आपके पीछे जाएंगे और पीछे की साइड पर हमारी जो दो शोल्डर ब्लेड होती है वह एक दूसरे के इस तरीके से नज़दीक आनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से दोनों हाथ को बाजू पे रखना है, इनके बाद टमी को टक करना है, फिर दोनों शोल्डर को पीछे खींचना है, रिट्रैक्ट करना है, 10 काउंट होल्ड फिर छोड़ देना है, इस तरीके से 10 बार हमें करना है। दूसरी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, दोनों हाथ को बाजू पे रखना है, टमी को टक करना है, फिर दोनों शोल्डर को पीछे खींचना है, इनके बाद दोनों हाथ को पीछे की साइड पर लिफ्ट करना है, 10 काउंट होल्ड फिर
छोड़ देना है। तो इस तरीके से आपको पहले टमी को टक करना है, दोनों हाथ को बाजू पे रखना है, शोल्डर को पीछे रिट्रैक करना है, खींचना है, इनके बाद दोनों हाथ को पीछे लिफ्ट करना है, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है, 10 रिपीटेशन करना है। थर्ड एक्सरसाइज में आपको दोनों हाथ को पहले कमर के पीछे इस तरीके से रख देना है, कमर के पीछे ऐसे रख देना है, टमी को टक करिए, दोनों शोल्डर को पीछे खींचना है, इनके बाद दोनों एल्बो को एक दूसरे के नज़दीक लाना है, 10 काउंट होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है। तो इस तरीके से दोनों हाथ को कमर के पीछे रख देना है, टमी को टक करिए, फिर शोल्डर को पीछे खींचना है, इनके साथ दोनों एल्बो को एक दूसरे के नज़दीक लाना है। यहाँ पर अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है, आपका हाथ पीछे नहीं जा रहा है, या फिर हाथ पीछे ले जाने में आपको दर्द हो रहा है, तो वैसी कंडीशन में आपको यह कसरत में दोनों हाथ को ऐसे कमर के ऊपर रख के भी कर सकते हो। यहाँ पर कमर के ऊपर हाथ रखना है, टमी को टक करना है, फिर शोल्डर को पीछे खींचना है, इनके साथ दोनों एल्बो को पीछे ले जाना है, 10 काउंट होल्ड करना है, फिर छोड़ देना। तो ये सिंपल सा मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। अगर इसमें भी आपको दर्द हो रहा है तो दोनों हाथ को ऐसे टमी के ऊपर रख के भी यह एक्सरसाइज कर सकते हो, हाथ को एक दूसरे के ऊपर रख सकते हो, या फिर ऐसे मिडल फिंगर की टिप को टच करके भी, जो हमारी नाभि होती है इनके एग्जैक्ट ऊपर हाथ को रख देना है, फिर टमी को टक करिए, शोल्डर को पीछे लीजिए, दोनों एल्बो को एक दूसरे के नज़दीक लाना है। तो इस तरीके से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कमर के ऊपर हाथ रख के फिर आप यह वाली एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर टमी पर हाथ रख के इस तरीके से शोल्डर को पीछे खींचना है, इनके बाद एल्बो को एक दूसरे के नज़दीक लाना है, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है। इनके बाद की फोर्थ एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, दोनों हाथ को एल्बो में से इस तरीके से 90 एंगल पर बैंड कर देना है, एल्बो में से 90 एंगल पर बैंड कर दिया, टमी को टक करना है, फिर आपको दोनों शोल्डर को पीछे रिट्रैक करना है, इनके बाद दोनों हाथ को साइड पर घुमाना है, रोटेट करना है। यहाँ पर खास ध्यान में रखना है, आपके दोनों हाथ बॉडी के कॉन्टेक्ट में रहने चाहिए, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है। इस तरीके से पहले टमी को टक करना है, दोनों हाथ एल्बो में से 90 एंगल पर बेंड रहेंगे, दोनों हाथ हमारे बॉडी के कॉन्टेक्ट में रहेंगे, शोल्डर को पीछे रिट्रैक करना है, फिर दोनों हाथ को ऐसे बाजू पर घुमाना है, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है। तो इस तरीके से हमें यह 4 एक्सरसाइज करनी है, थोड़े दिनों के लिए यह 4 एक्सरसाइज करनी है, फिर थोड़े दिनों के बाद इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाना है, थोड़ी एडवांस लेवल की एक्सरसाइज शुरू कर देनी है। यहाँ पर शुरुआत की हमारी जो 3 एक्सरसाइज ही, उनको हमें बेड पर उल्टा लेट के करना है, सिर्फ इतना सा मॉडिफिकेशन लाना है, तो इनको भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको यह 3 एक्सरसाइज करने के लिए इस तरीके से बेड पर उल्टा लेट जाना है, इनके बाद टॉवल का फोल्ड करके या फोल्ड को जो आपका फोरहेड होता है इनके नीचे इस तरीके से रख देना है, इनके ऊपर आपके हेड को सपोर्ट देना है। यहाँ पर भी आपको 2 रूल्स को खास ध्यान में रखना है, एक्सरसाइज करते वक्त आपका शोल्डर लिफ्ट नहीं होना चाहिए, और पीछे की साइड पर आपका जो बैक है वह ऐसे एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, लिफ्ट नहीं होना चाहिए। यह 2 बातों को खास ध्यान में रखना है, शोल्डर लिफ्ट नहीं करना है और बैक को ऐसे पीछे उठाना नहीं है। तो यहाँ पर पहले एक्सरसाइज करने के लिए आपको दोनों हाथ को ऐसे बाजू पर रख देना है, इनके बाद दोनों शोल्डर को पीछे की साइड पर रिट्रैक करना है, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है, 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद दूसरी एक्सरसाइज के लिए वापस से दोनों शोल्डर को पीछे रिट्रैक करना है, इनके साथ दोनों हाथ को ऐसे पीछे उठाना है, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है। 3rd एक्सरसाइज के लिए दोनों हाथ को ऐसे कमर के ऊपर रख देना है, फिर दोनों शोल्डर को रिट्रैक करिए, फिर दोनों एल्बो को एक दूसरे के नज़दीक लाना है, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है, 10 रिपीटेशन करना है। अगर आपका हाथ पीछे नहीं जा रहा है या फिर दर्द हो रहा है तो दोनों हाथ को कमर के ऊपर रख के भी एक्सरसाइज कर सकते हो, शोल्डर को रिट्रैक करिए, फिर दोनों एल्बो को एक दूसरे के नज़दीक लाना है। तो इस तरीके से हमें यह 3 एक्सरसाइज को उल्टा लेट के करनी है। तो
इस तरीके से हमें यह 7 एक्सरसाइज को करना है। शुरुआत की 4 एक्सरसाइज बेसिक लेवल की और 3 एक्सरसाइज थोड़े दिनों के बाद हमें करना है। तो वापस यह सभी एक्सरसाइज को रिकैप कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहली एक्सरसाइज करने के लिए आपको दोनों हाथ को बाजू पे रखना है, टमी को टक करना है। इनके बाद दोनों शोल्डर को पीछे की साइड पर ऐसे खींचना है। दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए वापस से टमी को टक करिए, दोनों हाथ को बाजू पे रखिए, शोल्डर को पीछे खींचिए, इनके साथ दोनों हाथ को पीछे की साइड पर लिफ्ट करना है। थर्ड एक्सरसाइज करने के लिए आपको दोनों हाथ को कमर के पीछे रख देना है, टमी को टक करिए, शोल्डर को पीछे खींचिए, इनके बाद दोनों एल्बो को एक दूसरे के नज़दीक लाना है। फोर्थ एक्सरसाइज करने के लिए दोनों हाथ को एल्बो में से 90 एंगल पर बेंड करना है, इनके बाद फिर टमी को टक करिए, शोल्डर को पीछे खींचना है, फिर दोनों हाथ को ऐसे बाजू पर घुमाना है, रोटेट करना है। तो यह 4 एक्सरसाइज बैठ के करनी है, इनके बाद 3 एक्सरसाइज को हमें लेट के करना है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से उल्टा लेट जाना है, टॉवल के फोल्ड को हमारे हेड के नीचे ऐसे रख देना है, दोनों हाथ को ऐसे बाजू पर रखना है। पहली एक्सरसाइज में दोनों हाथ को बाजू पर ही रखना है और शोल्डर को पीछे रिट्रैक करना है। दूसरी एक्सरसाइज में शोल्डर को पहले रिट्रैक करना है, इनके बाद दोनों हाथ को ऐसे पीछे लिफ्ट करना है। तीसरी एक्सरसाइज में दोनों हाथ को ऐसे पीछे कमर के पीछे रख देना है, फिर शोल्डर को रिट्रैक करना है और फिर एल्बो को एक दूसरे के नज़दीक लाना है। तो यहाँ पर हमने जो ये एक्सरसाइज आपको सिखा है, इनको अगर आप नियमित करते हो तो शोल्डर पेन, शोल्डर इम्पीजमेंट, शोल्डर में क्लिकिंग साउंड आना, फ्रंट शोल्डर, यह सभी तकलीफों में आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। तो ये सभी एक्सरसाइज को आप दिन में 3 से 4 बार जरूर करिएगा, सभी एक्सरसाइज आपकी 5 to 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। इनके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा, वहाँ पर आप फ्री में बहुत कुछ नया सीख सकते हो, इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए, और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।